वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक अर्निंग का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ। आप लोग इर्तकाल गाजी वाले ड्रामे से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो आराम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इर्तकाल गाजी वाले ड्रामे की कि हम उससे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास आपका एक यूट्यूब चैनल है तो आप उससे किस तरह से व्यूज़ हासिल कर सकते हैं, आज मैं आपको इसका एक बहुत ही ईजी वे में तरीका बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आपका एक यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप सबसे पहले अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, और अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने करना क्या है, आपने सिंपली इर्तकाल गाजी पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उस पे क्या करना शुरू कर देना है, वीडियोस अपलोड करनी है। एक दिन आपने देखना है इर्तकाल गाजी की असल लाइफ, दूसरे दिन आपने देख देना है क्या नाम है हदीमा सुल्तान के लाइफ के बारे में बता देना है, तीसरे दिन किसी और करेक्टर के बारे में बता देना है। आप यकीन करें फ्रेंड्स, मैंने इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देखी हैं, और जिन लोगों के जहन में कोई आइडिया नहीं आता वो उससे आइडिया ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे का तरीका है, बहुत आसान सी चीज़ है जो कि कोई इंसान भी कर सकता है। इससे क्या होगा, आपको बहुत जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं लोगों के मिलियनस व्यूज़ इन्हीं वीडियोज़ पर आए हैं, तो आप लोग भी क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएँ और अपनी वीडियोज़ को इस तरह से अपलोड करें। उसके बाद फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोगों को राइटिंग का शौक़ है, ब्लॉग्स लिखते हैं और इंटरटेनमेंट के ब्लॉग्स लिखते हैं, ये नहीं कि ब्लॉग्स तो कोई भी लिख लेता है लेकिन इंटरटेनमेंट के ब्लॉग्स कुछ सिलेक्टेड लोग लिखते हैं, तो आप क्या करें, आप इर्तकाल गाजी पर ब्लॉग्स को लिखना शुरू कर दें। आप यकीन कीजिए इस पर आपको बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ मिलेंगे। अभी भी मैं ख़ुद भी एक ब्लॉग देख रही थी, आप लोगों से मैंने सोचा चाहे शेयर कर देती हूँ। इन्होंने देखें 25 डायलॉग्स लिखे हैं इर्तकाल गाजी ड्रामे के, तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हुए। तो जाहिर सी बात है, कोई भी फ्री में तो काम नहीं करता ना, इसके भी रेवेन्यू मिलता है ब्लॉग लिखने का। ये जो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं उन्हें अच्छे से इल्म होगा इस बात का कि उन लोगों को कितना ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर आप लोग शौकीन हैं तो आप इस तरह भी इससे अर्निंग कर सकते हैं। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ब्लॉग लिखना, और आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे। आप लोगों के पास मुख्तलिफ हिस्ट्री पड़ी है, आप उसमें से ले सकते हैं, अपनी उसके बारे में लिख सकते हैं, ड्रामे के हिसाब हवाले से रिव्यूज़ लिख सकते हैं, अलग अलग हर करेक्टर के रिव्यू लिख सकते हैं, एक एक पेज का भी रिव्यू आप ब्लॉग्स बनाएंगे एक एक पेज का भी, तो यकीन कीजिए आप काफ़ी ज़्यादा पैसे इसके अंदर कमा सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे थर्ड चीज़ है वो क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि कोई ऐप बना सकते हैं, तो ये तो वेल एंड गुड वाली बात हो गई फ्रेंड्स। तो इससे तो आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर है, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाए तो यकीन कीजिए आप बहुत जल्द लखपति बन सकते हैं। लखपति क्या, मैं ये कहूँ कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा दिमाग चला के। फ्रेंड्स, अभी चंद दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था इर्तकाल गाजी के तमाम एपिसोड जो हैं आप वॉच कीजिए। मैंने फ़ौरन से उसे इंस्टॉल कर लिया फ्रेंड्स, लेकिन जब मैंने चेक किया तो उसके अंदर सारे लिंक जो है ना वो यूट्यूब के लगे हुए थे। मैं बड़ी हैरान हुई, और आप यकीन करें उस वीडियो के ऊपर मैंने खुद देखा कि 80 मिलियन कम तादाद नहीं होती है, 80 मिलियन व्यूज़ थे उस वीडियो के ऊपर फ्रेंड्स। तो फिर जब लोगों ने उसको, अगर ज़्यादा ना सही 8 लाख लोगों ने भी उसे इंस्टॉल कर लिया होगा, तो रेवेन्यू का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि उन लोगों ने किस कदर रेवेन्यू इस वीडियो से कमा लिया हो। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को भी एप्लीकेशन के ऊपर से तो नहीं पता चलता ना कि इसके अंदर क्या है, अंदर जाके ही पता चलता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह।